Hey guys, what's up? तो आज हम लोग बात करेंगे एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन की. इसी को कहते हैं ARMD, राइट? तो ARMD क्या है? ARMD इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड. ये तीसरा सबसे लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का वर्ल्ड वाइड में, एंड इज द फर्स्ट इन डेवलप कंट्री, और पहला कॉज है डेवलप कंट्रीज में, राइट? इट इज़ कॉमन कॉज ऑफ विजन इन विजन लॉस इन पीपल एज 50 ईयर्स एंड ओल्डर. ये कॉमन कॉज ऑफ विजन है, तो इसीलिए कहते हैं एज रिलेटेड, ठीक है ना? और 50 साल से ज़्यादा लोगों में कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस है. प्रेवलेंस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली ड्यू टू पॉपुलर एजिंग. ये इसका प्रेवलेंस जो है इंक्रीज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अभी जो है एजिंग हो रही है, ठीक है? पैथोफिजियोलॉजी में दो तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, एक ड्राई ARMD और एक वेट ARMD, ठीक है ना? ड्राई ARMD और वेट ARMD. ड्राई ARMD मतलब उसमें कोई एक्सुडेटिव नहीं होगा, वेट है मतलब गीला, मतलब एक्सुडेट्स आएंगे, ठीक? तो ड्रूसन अपीयरेंस होता है. ड्राई में डी होता है ना, डी में डी, ड्रूसन. तो ड्रूसन क्या होता है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर इओसिनोफिलिक डिपोजिशन है. ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर इओसिनोफिलिक डिपोजिशन, जो कि आपके रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और ब्रक्स मेम्ब्रेन ऑफ कोरोइड के बीच में देखने को मिलता है, राइट? और इसी के साथ साथ क्या होगा, लाइपोफ्यूशिन का आपका एक्यूमुलेशन होगा. और जो मतलब कि अर्ली और इंटरमीडिएट स्टेजेस में, और बाद की स्टेजेस में क्या होता है, RBE का एट्रोफी और जियोग्राफिकल एट्रोफी होता है, ठीक है ना, लेटर स्टेजेस पे. तो ड्राई ARMD में ये चीज़ें होती है, राइट? अब आते हैं वेट ARMD में. वेट ARMD में तीन तरीके से हम लोग चीज़ों को डिवाइड करते हैं. एक होता है कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन, एक होता है पॉलीपोइडल कोरोइडल वेस्कुलोपैथी, एक होता है RAP मतलब रेटिनल एंजियोमेटस पॉलीफ्रेशन, राइट? तो कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन से क्या मतलब समझते हैं, नियोवेस्कुलराइजेशन हो रहा है कोरोइड में, ठीक है ना? तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी ड्रूसन आएगा, इओसिनोफिलिक एक्स्ट्रासेलुलर इओसिनोफिलिक डिपोजिशन बिटवीन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड ब्रक्स मेम्ब्रेन, ठीक है ना? तो वहाँ पे भी ड्रूसन आएगा, लाइपोफ्यूशन एक्यूमुलेशन होगा. CNV डेवलपमेंट में क्या होता है कि CNV डेवलपमेंट होगा, तो एक्सुडेशन होगा, हेमरेज होगा, स्कारिंग, डिस्की फॉर्म, ठीक है? एक्सुडेशन मतलब क्योंकि एक्सुडेटिव है, एक्सुडेशन होगा, हेमरेज हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है, डिस्की फॉर्म स्कार होता है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे कैसा स्कार होता है, डिस्की फॉर्म स्कार होता है. PCV मतलब पॉलीपोइडल कोरोइडल वेस्कुलोपैथी होता है, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ड्रूसन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस हो जाता है ड्रूसन का, ड्रूसन यहाँ पे नहीं होता है, ड्रूसन CNV में होता है, इसमें नहीं होता PCV में. PCV मतलब तीन याद होते हैं, CPR से करके याद कर लो, कि CPR जो होता है, ये CPR जो होता है वेट ARMD में होता है, CNV, PCV और RAP. PCV मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम नहीं, पॉलीपोइडल कोरोइडल वेस्कुलोपैथी, और RAP रेटिनल एंजियोमेटस पॉलीफरेशन, ठीक है ना? PCV मतलब पॉलीपोइडल कोरोइडल वेस्कुलोपैथी, ठीक है ना, और रेटिनल एंजियोमेटस पॉलीफ्रेशन. बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है ना? तो एब्सेंस ऑफ ड्रूसन होता है मोर इन एशियंस में, ठीक है ना? तो ये एशियंस में ये ज़्यादा कॉमन होता है ये चीज़, ठीक है? एब्सेंस ऑफ ड्रूसन, ग्रेप लाइक पॉलिप्स होते हैं यहाँ पे, पॉलीपोइडल है ना, पॉलीपोइडल है, देख लो पॉलीपोइडल दिया है ना, पॉलीपोइडल कोलाइडल कोरोइडल वेस्कुलोपैथी, और एक्सटेंसिव एक्सुडेशन हेमरेज. यहाँ पे मतलब कि वेट ARMD में हेमरेज भी एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे भी, यहाँ देखो रेटिनल एंजियोमेटस पॉलीफ्रेशन में, देखो रेटिनल एंजियोमेटस पॉलीफ्रेशन में कि ड्रूसन लाइपोफ्यूशन ये तो रहेगा ही, तीन स्टेजेस होती हैं, इंट्राटाइनल, सबरेटाइनल और CNV कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन, ठीक है ना? तो ये तीन स्टेजेस होती हैं, इंट्राटाइनल, सबरेटाइनल और कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन. इंट्राटाइनल सबरेटाइनल में ब्लड होता है, और इंट्रारेटिनल सबरेटिनल फ्लूइड होता है, और ये स्कारिंग भी लीड कर सकता है, ठीक है? इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं अपन. तो एक क्लासिकल CNV होता है. क्लासिकल CNV में क्या होता है, अर्ली हाइपोफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा विद वेल डिफाइंड लेसी पॉटर एंड प्रोग्रेसिव लीकेज, ठीक है ना? तो ये जो है ये अर्ली हाइपोफ्लोरेसेंस होता है और विथ वेल डिफाइंड होता है, ठीक है? काफ़ी वेल डिफाइंड होता है अर्ली हाइपोफ्लोरेसेंस के साथ, और ये लेसी विथ प्रोग्रेसिव लीकेज होता है, ठीक है ना? यहाँ पे लेसी पॉटर होता है और प्रोग्रेसिव लीकेज देखने को मिलता है, राइट? और यहाँ पे लेट लीकेज देखेंगे क्योंकि ऑकल्ट है भाई, छुपा हुआ, ठीक है? अनडिटरमाइंड ओरिजिन ऑफ फाइब्रोवेस्कुलर पिगमेंट एपिथेलियल डिटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है ना? ये अनडिटरमाइंड इसका ओरिजिन है और लीड लीकेज होगा इसमें, और ठीक है ना, और इसमें फाइब्रोवेस्कुलर पिगमेंट का एपिथेलियल डिटैचमेंट हो जाएगा, फाइब्रोवेस्कुलर पिगमेंट एपिथेलियल डिटैचमेंट, FPE डिटैचमेंट, मतलब फाइब्रोवेस्कुलर एपिथेलियल पिगमेंट
फाइब्रोवैस्कुलर पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तीन तरीके का होता है ऑकल्ट वाला। ऑकल्ट में एक सब फोविया, जक्स्टा फोविया, एक्स्ट्रा फोविया, तीन तरीके के होते हैं। अब सब फोविया का मतलब क्या होता है? सब फोविया मतलब इन्वॉल्विंग सेंटर ऑफ फोविया, सब है मतलब कि इंटर सेंटर में होगा। जक्स्टा फोविया बिटवीन वन टू 199 माइक्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ फोविओला, फोविओला से थोड़ा सा इधर की तरफ। और लीजन एटलीस्ट, एक्स्ट्रा फोविया में क्या होगा कि लीजन एटलीस्ट जो होता है 200 माइक्रॉन फ्रॉम द वे ऑफ द सेंटर ऑफ फोविओला। ये ऑकल्ट के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये ट्रीटमेंट भी अपनी डिपेंड करती है। तो फोटोडायनेमिक थेरेपी एंटी VEGF ड्रग के साथ इन दोनों में देते हैं, और यहाँ पे फोटो अगले मतलब कि फोटो कोएगुलेशन कराते हैं, ठीक है, फोटो कोएगुलेशन सर जी। और एज रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? रिस्क फैक्टर किसी भी बूढ़े इंसान जो मोटा है उसको देख लो तो समझ जाओगे कि हाँ, एज हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है ना, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है ना। इसके साथ ब्लू आयरिस भी कभी कभी लोग कहते हैं कि हाँ, ब्लू आयरिस वाले पेशेंट्स में भी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सिम्टम्स में क्या होगा कि ग्रेजुअल एन एक्यूट ब्लरिंग ऑफ विजन की, ग्रेजुअल विजन लॉस होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, स्कोटोमा हो सकता है, मेटामॉर्फोप्सिया हो सकता है, मतलब चेंज इन शाइप एंड साइज ऑफ शेप एंड साइज ऑफ इमेज, और माइक्रोप्सिया भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, स्कोटोमा, ग्रेजुअल पेन, ग्रेजुअल ब्लरिंग ऑफ विजन, मेटामॉर्फोप्सिया और माइक्रोप्सिया, राइट। तो ये सब भी चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें, राइट। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशंस में। ब्रेक थ्रू हेमरेज होती है, ठीक है ना, ब्रेक थ्रू हेमरेज हो गया। ये हेमरेज किस में होता है? बेसिकली वेट ARMD में। वेट ARMD में तीन टाइप, कौन कौन से? CPR से CNV RAP PCV, CNV से कोरोइडल नियोवैस्कुलराइजेशन, और PCV से पॉलीपॉइडल कोरोइडल वैस्कुलोपैथी, और RAP से रेटिनल एंजियोमेटस पॉलीफरेशन, ठीक है ना। और अब इसके मैनेजमेंट पे आते हैं। तो ड्राई ARMD को कैसे ट्रीट करेंगे? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, क्योंकि जोग्राफिकल एट्रोफी होती है, या ड्रूसिन या लाइसोफीसिन का वही। तो एंटीऑक्सीडेंट खिला देंगे, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन CE प्लस जिंक कॉपर प्लस ल्यूटियन या जियाजैंथिन खिला देंगे, जो कि कैरेटिनॉइड्स होते हैं एक तरीके के। वेट ARMD में तीन कॉन्जिक्यूटिव मंथली इंट्राविट्रल डोजिंग देंगे, ठीक है ना। तो तीन चीज़ों का डोजिंग देते हैं, ये बेवासीजुमैब, रानीजुमैब, एफिब्रिसिप्ट। और PCV में तीन चीज़ें होती हैं, मतलब कि सब फोवियल, जक्स्ट्रा फोवियल रहा, तो सब फोवियल, जक्स्ट्रा फोवियल जैसा बताया था, NTVGF के साथ फोटोडायनेमिक थेरेपी दे सकते हैं, और एक्स्ट्रा फोवियल में लेजर फोटोकोएगुलेशन करा देंगे। तो CNV का थोड़ा सा मैं और बात करूंगा यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझा नहीं पाया ढंग से। कोरोइडल न्योवैस्कुलराइजेशन में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ इंट्रा, मतलब कि ग्रोथ क्या होती है? सब रेटाइनल स्पेस में होगी, कोरोइड से सब रेटाइनल स्पेस में जाएगा, लीडिंग टू हेमरेज, राइट। तो फाइब्रोवैस्कुलर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि कहते हैं उसको CNVM, कोरोइडल न्योवैस्कुलर मेम्ब्रेन। तो फाइब्रोवैस्कुलर कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पे, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं अपन कोरोइडल न्योवैस्कुलर मेम्ब्रेन बन जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? एक ऑकल्ट होगा, एक क्लासिकल होगा। क्लासिकल में क्या होगा? ये जो है सब रेटाइनल स्पेस में रहता है, दिस फॉर्मड इन सब रेटाइनल स्पेस, राइट। लेकिन ये जो होता है ये सब RPE स्पेस में होता है, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोवैस्कुलर पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट था, लेकिन यहाँ पे सब रेटाइनल स्पेस में है। तो यहाँ पे क्लासिकल CNVM है जो सब रेटाइनल स्पेस में है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑब्वियसली इसमें FFA होगा, ठीक है, फ्लोरिसिन, फंडस फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी, और यहाँ पे ICGA होगा, ठीक है ना, इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी, ठीक है ना, अगर पढ़ा होगा ये वाला डाई, ठीक है, क्योंकि इसका बेटर रिटेंशन पावर होता है, इसलिए सब एपिथेलियल रीजन में यूज़ करते हैं। इसमें आई गेस 820 या 810 नैनोमीटर का मतलब कि वेवलेंथ यूज़ होता है, तो इसका बेटर पेनिट्रेशन पावर और बेटर प्रोटीन रिटेंशन पावर होता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं, और इसको अवॉइड करते हैं द पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू आयोडीन, राइट। तो ये बात रही आपकी कुछ एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन की। उम्मीद है आपको कुछ कुछ चमका होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।